जी सारों भोली गए भोली प्योली लयनी मैं घर छोड़ावा जी घर बोड़ बोड़ी गए होलो बालो बसंत भोरों का जूठा फूल ना तोड़िया अगाड़ी गाणो नी आंदू मैं ते अगली बार याद करिक ओलू तब आप लोगों ते ही सुनोलू। जिंदगी ए जिंदगी गम दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी जख्मों को तोड़ा सीने देना जीने देना जीने देना जिंदगी तू जीने देना जीने और अगर आप जापान में घूमने के लिए आए हैं तो अगर आपको ड्रिंक में पीना है तो ये वाले ड्रिंक रिकमेंड करूँगा एक्वेरस गुड कैलोरीज तो इसको पिए स्वस्थ रहिए। यहाँ पर भी है जंगल जंगल है पूरा और बहुत बड़ा है यार ये तो जाऊँगा मैं वहाँ तक जाऊँगा देखता हूँ कहाँ तक जा पाता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। फुटबॉल बैडमिंटन खेलने के लिए भी बहुत अच्छा पार्क है ये। हाँ और लोग खेल भी रहे हैं उधर देख सकते हैं। वहाँ जाना था मुझे यहाँ से जाऊँगा। हाँ मुझे अंदर जाना है अंदर मतलब उधर जाना है मुझे तो क्या मैं वहाँ जा पाऊँगा। मैन वर्सेस पहाड़ी और यहाँ पर डर है तो सिर्फ मुझे डर है सांप का लेकिन फिर भी हम चलेंगे क्यों ये देखिए बहुत मच्छर है बहुत मच्छर। यहाँ से मुझे वहाँ जाना होगा लेकिन यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ मैं। तो आ गया मैं दूसरी सड़कों पे दूसरे रास्ते पे आ चुका हूँ। ये रास्ता है इस प्रकार से देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर नीचे लिखें। मैं मिलता रहूँगा आपको हर एक वीडियो में और थोड़ा सा भी और घूमूंगा इस पार्क में शायद हो सकता है इस वीडियो के दो पार्ट आए तो दूसरा पार्ट भी देख लेना। और ये पार्ट तो आप देख ही रहे हो। हाँ यहाँ पर देखिए जगह जगह पर बैठने के लिए बना रखा है इन्होंने ये तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। यहाँ पर भी फोटोज लेते ना GoPro के साथ लेंगे वीडियो। बहुत खूब हाँ इतना पीसफुल है ना। यहाँ पर भी एक छोटा सा घर बैठने के लिए ही बनाया है। फिलहाल ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा ऊपर जाके एक्सप्लोर करते हैं और क्या है इधर देखने के लिए। मुझे लगता है कि आज तो मुझे जाना है जल्दी लेकिन फिर कभी आएंगे और यहाँ की वीडियो बनाएंगे अच्छे से। आज मैं ज़्यादा नहीं घूम सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है। पार्क कहो या इसको जंगल कहो नाम इसका है सीमा क्या था यार वो नाम सीमा दोरी पॉइंट था इसका नाम पॉइंट तो मुझे दिखा नहीं अभी कहीं लेकिन ये पेड़ जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। वाह मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अपने पहाड़ों में आ गए बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर शायद क्या होगा रोड हो सकती है इसके ऊपर यहाँ से फिर नीचे जाने के लिए और ये रास्ता फिर से नीचे जाके मिलता है। हाँ तो नीचे मिलते हैं फिर से। गाइस मैं फिर आया हूँ अंदर
मुझे यहाँ पर ना कुछ दिखता है, और यहाँ पर ये दीवार है शायद, ये दीवार तक ले जाता है आपको भाई। दीवार भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही खतरनाक ढंग से बना रखी है। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं नीचे, और यहाँ पर पूरा घास है। ये घास डाला हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और ये है दीवार, और भाई ऐसी वैसी दीवार नहीं है, बहुत पक्की दीवार है ये, देखिए काफ़ी ऊंची है। मच्छर बहुत हैं यार यहाँ पे, यहाँ पर भी लकड़ियाँ जमा कर रखी हैं, आई डोंट नो क्यों कर रखी हैं। तो यहाँ क्या हो सकता है, अभी फिर से जंगल के अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या है इधर और क्या मिल सकता है हमें यहाँ पर। गांव में ना ऐसे हाथ में इसको छापते थे और मेहंदी लग जाती थी हाथ में, लेकिन इससे नहीं लग रही है मेहंदी। हाँ पूरा जंगल ही जंगल, छोटा सा पुल है यहाँ पर भी, पानी आ रहा है ऊपर से कहीं से। मैं आप सबको ऐसी जगह रिकमेंड करूँगा, आइए और पूरा एक्सप्लोर कीजिए, और कैसा लगता है आपको प्लीज़ बताइए। यहाँ पर फिर से रास्ता ख़त्म होता है शायद, बाहर जाने के लिए रास्ता है यहाँ पर। यहाँ से फिर से बाहर जाना होगा मुझे। यहाँ पर देख सकते हैं गांव में रखते हैं ना लकड़ी सुखाने के लिए, रखते हैं ना केड़गांव में ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही रखा है, यहाँ पर लकड़ियाँ सूख रही हैं, जलाएंगे कब पता नहीं, लेकिन पूरा गांव वाला फील आ रहा है इधर। और क्या है इसके अंदर, ये देखिए। यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर वुडन सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और इन सीढ़ियों से होकर हम जाएंगे ऊपर तक, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं इन सीढ़ियों के ज़रिए। वाओ ये देखिए, ये लगी हैं सीढ़ियाँ, यहाँ तो क्लोज जैसा लग रहा है, नहीं अरे यार बहुत बड़ा है ये, कहाँ कहाँ लेके जाएगा आज पता नहीं। ये क्या है यहाँ पर, ये भी कुछ लग रहा है यहाँ पर पार्किंग जैसा है। जापान में आपको अक्सर ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, और पवित्र मानी जाती हैं जापान में। चाला फूला रे फूलों को, सौदा सौदा फूल भी रोला, भौरों का झूठा फूल ना तोड़या, मारियों का झूठा फूल ना लाया। चाला फूला रे फूलों को, सौंदा सौंदा फूल बिरोला, न उन धर्म्यालु आगास, न उनी मयालु यखे धरती, अजान ओखा छिन पेंडा, मन के अणमेल चौथ तरफी, छिबे ये निर्भय परदेश मा तुम, मैं घोर छोड़ावा। अभी जा रहा हूँ घर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पार्क बहुत अच्छा था। टाइम हो रहा है अभी
देख सकते हैं 16:21 हो रहे हैं अभी, और यहाँ से मुझे लगेगा लगभग 1 घंटा घर जाने के लिए। तो ये देखिए मेरे पीछे था, यहाँ से था इसका एंट्रेंस था, और अभी मैं दूसरी जगह से आया था, लेकिन अभी मैं जा दूसरी जगह से रहा हूँ, वहाँ से आया था मैं। तो अभी चलते हैं घर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आया तो था मैं बस में, और जा रहा हूँ मैं अभी पैदल, क्योंकि यार बस में भी जाएंगे तो अभी ट्रैफिक ज़्यादा है यहाँ पर ना, रोड छोटी छोटी हैं तो फ़ायदा नहीं है कुछ बस में जाने का, इसलिए मैं जाऊँगा पैदल ही जाऊँगा। 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं है, पहुँच जाएंगे अभी। तो आधा तो मैं आ गया हूँ, और मैप से जा रहा हूँ मैं। ये देखिए रोड देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कितनी छोटी छोटी रोड हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जाम लगने का डर है। जब मैं आया था तो ना सिर्फ 4 स्टॉप थे आने के लिए, लेकिन मुझे टाइम लग गया, 14-15 मिनट लग गया बस में, क्योंकि रोड बहुत पतली थी वहाँ पर, और बस को आने में प्रॉब्लम हो रही थी, और सिग्नल भी बहुत ज़्यादा थे। तो कोई बात नहीं, अभी चल रहा हूँ मैं। यहाँ से लेफ्ट मोड़ूंगा, ये देखिए ये है मेन रोड, और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। इसी रोड से आया था मैं, सीधा जाऊँगा यहाँ से। मुझे जाना था यहाँ, यहाँ पर देख लो बस कैसे आ रही है, जगह ही नहीं है जाने के लिए। देखिए यहाँ पर रोड बहुत पतली रोड है, इसलिए यहाँ पर, और सिग्नल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर वो जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही गाड़ियों को। सो मुझे लगा, ये देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे जाना है तो खीवा दायरा स्टेशन जाना है मुझे।